नमस्कार, मैं हूं शिरीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबरदार। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पालघर लोकसभा उपचुनाव के मतों की गिनती आज जारी है और अभी तक जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से 20 राउंड मतों की गिनती हो चुकी है और उसमें करीब करीब 44-45 हज़ार वोटों से बीजेपी के भाजपा के उम्मीदवार राजेंद्र गावित आगे चल रहे हैं और उसके पीछे शिवसेना के उम्मीदवार श्रीनिवास वनगा जी हैं और तीसरे नंबर पर बहुजन विकास आघाड़ी के बलिराम जाधव चल रहे हैं। एक तरह से बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र गावित का जितना तय माना जा रहा है क्योंकि इतने मतों से वो आगे चल रहे हैं कि 10 राउंड ही बाकी रह गए हैं तो बाकी इतने कवर होना मुश्किल है। हम इस बारे में अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं खबरदार संवाददाता से राम प्रकाश निराला जी से जो मौके पर मौजूद हैं। हेलो राम प्रकाश निराला जी, क्या पालघर के वोटों की गिनती चल रहा है, क्या हाल है वहाँ का? वहाँ पे ऐसा है कि गावित साहब जो है ना बीजेपी के वो आगे हैं और दो नंबर पे शिवसेना के श्रीनिवास वनगा, दो नंबर पर बहुजन विकास आघाड़ी के बलिराम जाधव, तो ये काफी वोटों से आगे चल रहे हैं गावित साहब, राजेंद्र गावित अराउंड करीब 44,000 वोट से आगे हैं। तो इनका जितना तय माना जाए, जितना तय माना जा सकता है क्योंकि 10 राउंड बाकी है और 10 राउंड में कवर करना 44,000 वोट वो मुश्किल काम है। ये कौन सा एरिया का अभी तक मतों की गिनती हो चुकी है और किस एरिया का बाकी? मिक्स कर रहे हैं, मिक्स। अच्छा अच्छा, नहीं चालू है। हाँ हाँ हाँ, मिक्स करके हो रहा है क्या? जैसे शहर पालघर में शिवसेना मजबूत बताई जा रही थी। हाँ, वो कुछ कुछ एरिया खुलता है ना ऐसा। अच्छा, तो जो अंदर बैठे एरिया में उनको मालूम पड़ता है। हाँ हाँ, तो अभी तक जो जीतना तय ही हो गया, करीब करीब 44,000 वोट हो गया, जीतना तय है वो। कितने बजे तक फैसला आ जाएगा पूरा, वोटों की गिनती खत्म कितने बजे तक? कितने बजे तक हो जाएगा? एक घंटे में क्लियर हो जाएगा। देखते रहिए खबरदार, रहिए खबरदार।